नहीं नहीं मैं भी जा थोड़े ही रहा था, मैं तो चेक कर रहा था अपनी मार्केट वैल्यू की, आप सुनने के मूड में है या नहीं। ये सब करना पड़ता है, ये सब ना किया जाए तो आप भी सोचेंगे कि बहुत देर सुनाया, और मैं भी ये सब ना करूं तो मुझे भी लगेगा कि मैं सुनाया जा रहा हूं और आप कुछ बेदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, मुझे अच्छा लगा आज इस भीड़ में पीछे जितनी तादाद में दाढ़ी और टोपी वाले नज़र आ रहे हैं, मुझे खुशी है कि अगली सफ़ों में ऐसे लोग भी बैठे हैं साहब जो इस मुल्क में ये साबित करते हैं कि मोहब्बत क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है। मैं सलाम करूंगा ऐसे लोगों को, और मैं इस इतनी बड़ी भीड़ में खड़ा होकर के बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा हुआ है, मैं आपसे मुखातिब होकर यह बात कहता हूं कि आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपके लिए माइक पर खड़े होकर के सिर्फ मुसलमान चीख और चिल्ला रहा है, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को मजबूत करिए। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को, वरना नफरत वाली ताकतें चाहती हैं कि दो लाइन खिल जाए, एक तरफ 15%, एक तरफ 85%। उनकी पॉलिटिक्स ही यही है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सेकुलर जहनियत के लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, वरना ये नफरत वाली ताकतें हावी होती जाएंगी। सैल्यूट करिए पहचानिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द उस शख्स को जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस हेमंत करकरे को, शहीद हेमंत करकरे को सैल्यूट करिए जिस शख्स ने इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नजीब के लिए मैंने नज्म पढ़ी, लेकिन नजीब की तलाश के लिए दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उनका नाम मोहित पांडे है, रविशंकर है, रवि प्रसाद है, चेतना है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए। मैं एक नज्म आपकी अदालत में सुनाना चाह रहा हूं साहब। रात के 4 बजे एक शख्स ने थोड़ा सा ज्यादा ड्रिंक कर ली, सुबह पता नहीं उसे क्या सोचा, उसने एक ट्वीट कर दिया, अजीब गुंडागर्दी है, मेरी नींद में खलल पड़ता है। और उसके बाद आपने भी सर पर टोपियां सजा ली, लेकिन खुशी की बात यह रही कि आपसे ज्यादा बोलने के लिए ऐसे लोग निकल आए जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के अलम्बरदार हैं। मैं आपके सामने एक नज्म सुनाता हूं साहब, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पढ़ता हूं थोड़ा सा और बेदारी आपकी मांगता हूं साहब, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पीछे वालों आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेर पे दांत देते हैं, अगले मिसरे पे दांत देके उस इल्जाम को झुटलाइएगा। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इसी बीच चाय हाजिर हो गई है, चाय आती है तो ये सोच के चुप रह जाना पड़ता है कि चाय वालों के बारे में कुछ मत बोलो, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं ऐसा, इसलिए कुछ भी बोलते हुए डर लगता है। चाय आई है तो मेरे जहन में 4 मिसरे भी आ गए, के चाय चाय करते थे। हाँ थोड़ा सा आप मूड में आ जाएं, मैं एक माहौल बना दूं उसके बाद, चूंकि हमें बड़ों को सुनना है। के चाय चाय करते थे, बहुत संजीदा हो गए थे आप, आपकी संजीदगी खत्म करता हूं। के चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। फिर रोए राजकोट में साहेब, मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो। याद है ना ऊना के बाद उनका बयान, जब वो पूरे देश को चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे और चूना उल्टा पड़ा तो हालत ये हो गई साहब कि दलितों को बैलेंस करने के लिए न जाने कहां से खोज के निकाल के एक साहेब को ले आए। ठीक है पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मिसरे पढ़ता हूं कि उस एक ऊना कांड की भरपाई करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, उस्ताद तक को चूना लगा देना पड़ रहा है साहब। तब मैं पढ़ता हूं ना, कि चाय चाय करते थे,
गाए गाए करते हैं चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं। टीपू सुल्तान की सरजमीन पे खड़ा होकर के इमरान बोलता है बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ। शायरों की जुबान कब कबूल हो जाए, कबूल होती रहती है साहब, अल्लाह करे कि आज कबूल ही हो जाए। मैं पढ़ता हूँ साहब, पूरी दुआ के साथ पढ़ रहा हूँ कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, कि ढाई साल बाकी है आने दो जरा 19, ढाई साल बाकी है आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से के कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगले मिसरे पे मिल करके आपकी तालियों का शोर जाए पूरे मुल्क में, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर। पिछले दिनों मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि इमरान साहब हुकूमत के खिलाफ बड़े हमलावर रहते हैं और खास तौर से पार्टी विशेष के खिलाफ, क्यों? लम्हा भर के लिए मेरा जवाब सुनिएगा। मेरे अब्बू बैठे हैं, मैं इसलिए इस बात को खास तौर पे कहना चाहता हूं। बहुत नुकसान किया है साहब उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क का, मुल्क का ही नहीं मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया। मैं सातवीं में पढ़ता था, मुझे याद है कॉलेज छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने जाया करते थे, भाग जाते थे स्कूल बंक करके। मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा, हम दोनों भाग जाते थे स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने, कहीं किसी बाग में, कहीं किसी मैदान में। और थोड़ी देर बाद जैसे सब बच्चों की तलाश शुरू होती है, मेरी भी तलाश शुरू होती थी। अब्बू जब हमें पकड़ पाते थे तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी हम दोनों को पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत के हिस्से में पिटाई होती थी उतना ही मेरे हिस्से में भी। लेकिन कक्षा 7 से और आज के हालात में बदलाव यह हुआ है कि आज मेरे अब्बू अगर एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाएगा आप इस बात का गुमान भी नहीं लगा सकते। ये नुकसान किया है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उस विचारधारा ने इस मुल्क का। इसलिए मैं बोलता हूं कि आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, जिस शख्स के गाने गा गा करके उस शख्स ने अपना कैरियर बनाया, वो ये भूल गया कि वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए दुनिया से चले गए। उसे नहीं पता शायद ये एहसास, ये बात, वरना उसके पीछे हो सकता है कोई ताकत हो जो उससे ये बुलवा रही। मैं पढ़ता हूँ साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी,
हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के लम्हे भर की अजां लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल धड़कते हुए जो कहता है उसे महज दो मिसरों में ढालता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अजां की सदा नहीं आएगी। आपके भी ईमान में हरारत पैदा हो तो बताइएगा मुझे कि जिस दिन इस दुनिया में अजां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अजां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अजां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। जाते जाते महज ढाई मिनट की एक एक, एक बंद की एक नज़्म पढ़ के जाता हूँ। मैं वो मौका गंवाना नहीं चाह रहा, पता नहीं कब आज़ाद साहब मुझे नसीब हो किसी इस तरह के मुशायरे में। महज ढाई मिनट की एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। आप कश्मीर से आते हैं, कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, कभी जा नहीं सका कश्मीर, लेकिन न जाने क्यों कश्मीर बहुत पसंद है। बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं कश्मीर की। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ से आते हैं, लेकिन कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि आज से 4-5 साल पहले IAS एग्ज़ाम को टॉप करने वाला जो शख्स होता है डॉक्टर शाह फैसल, वो उसी कश्मीर से आता है। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि पिछले साल सेकंड टॉपर जो होता है अतुल शफी, वो भी उसी कश्मीर से आता है। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि इस साल IAS के टॉप 10 में एक बच्चा कश्मीर का रहता है। संगीनों के साये में पल रही जवानियाँ भी जब IAS का एग्जाम टॉप करें तो आपको कश्मीर से प्यार करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा, भले ही कैसी तस्वीर बनाई जाए। मैं एक नज्म सुनाता हूं साहब। कभी कभी मुझे लगता है सियासत, पॉलिटिकल एजेंडे, कश्मीर की नीति, उस सब के बीच में एक चीज मरती जा रही है जिसे कश्मीरियत कहते हैं। ये नज्म मुझे बहुत प्यारी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अमूमन मुशायरों में नहीं पढ़ता, लेकिन आप मौजूद हैं इसलिए मैं ये नज्म सुनाना चाह रहा हूं आपकी अदालत में। कश्मीर अगर बोले तो वो कैसे बोलेगा, पढ़ता हूं साहब। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर 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 हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि ये हुआ है सियासत की एक चूक से,
मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की कुचूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, कश्मीर की सच्चाई और कश्मीर का दर्द, अगला एक मिसरा गवाही है इस बात की, कि ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, तमाम कहानियाँ चैनल से सुनाते हैं लेकिन मुझे लगता है शायद कश्मीर की जुबान कभी नहीं सुनी गई। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूं, ऐसी एक पीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ, क्यों मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बेंगलोर वालों, जाते जाते इतना कह के जा रहा हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, कभी कभी चार चार पाँच पाँच दिन मुशायरों के बाद घर जाता हूँ तो अम्मी कहती हैं कि कहाँ से समेटते हो इतना दर्द, मेरे दोस्त कहते हैं इमरान कहाँ से गा लेते हो इस दर्द को, मैं बता के जाता हूँ साहब, के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी
हौसला चाहिए आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। बस इतना कह के जाता हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कह के जाता हूँ कि सियासी मसलों से हर चीज़ का हल नहीं निकलता है। मेरे सामने बैठे हुए लोगों, हर चीज़ का हल सियासी मसलों से नहीं निकलता है। अगर अपने मसलों का हल चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ साथ इस बात का अहद करके जाओ कि पढ़ा तो रहे हो आप, लेकिन डॉक्टर बनाओगे तो वो आपके काम आएगा, पैसा कमाएगा, परिवार के लिए पैसा कमाएगा। इंजीनियर बना दोगे, हो सकता है करोड़पति अरबपति बन जाए, तुम्हारा फायदा करेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का फायदा करेगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो, अगर समाज को, अपने समाज को जुल्म से बचाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो। एक सिपाही थाने में तुम्हारे नाम कहा जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो, तुम जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, तुम जिले में सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठोगे तो इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। आपको मुबारकबाद कि आजादी के बाद पहली बार सिविल सर्विसेज में इस बार 50 बच्चों ने क्वालिफाई किया है आपके। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े को और बढ़ाने की जरूरत है। मैं बस इतना कह के जा रहा हूं कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद।